और हम लोग पहुंच गए हैं महिसागर वन। यहाँ पर अपनी बाइक वाइक सब पार्क कर दी है, ये थोड़ा सा पार्किंग जैसा है। और यहाँ पर प्रवणिका का के यहाँ पर ये सब रख दिया है अपना सारा ताम झाम। ये रहा बनाया गया है गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से। और यहाँ पर अंदर एंट्री फीस कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ आपको अपना बाइक नंबर या फिर कार का नंबर लगाना होता है, आपका मोबाइल नंबर देना होता है, आपका नाम और आप कितने जने आ रहे हो उतने से ही आपकी एंट्री हो जाती है। तो भी चीज़ ये अपना वॉच टावर। यह है पूरा विरासत वन। और बच्चों के करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, और अगर आप लोग आओगे तो फोटोग्राफी और वो करने का आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा। बहुत ही आपको यहाँ पर अच्छी सी वाइब आएगी। आप लोग फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपके 2-3 घंटे मस्त इधर से निकल जाएंगे, आप यहाँ पर टाइम अच्छा सा स्पेंड कर। बिल्कुल इन लोगों ने ग्रीन ग्रीन पूरा पैच बना डाला है, और इसको मतलब संभाल भी बहुत अच्छी तरीके से रहे। ये है ध्यान कुटीर, पर यहाँ पर पता नहीं ध्यान कितने ही लोग आके करते हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि कोई आता होगा करता होगा। चाचा मिल जाए, क्या नाम है चाचा आपका? नानजी भाई नाथा भाई और पटेल। नानजी भाई नाथा भाई पटेल, और ये यहाँ पर काम करते हैं। और मुझे अभी अभी पता चला कि महिसागर वन विभाग का आनंद से सब संचालन होता है जिला सेवा सदन में से। और क्या चाचा ये कितने एरिया में फैला हुआ है? 6 एकड़ एरिया में फैला हुआ था। 6 एकड़ एरिया में फैला हुआ है। और यहाँ पर कितनी स्पीसीज है ये सारे मिलाकर मिल जुड़ कर? 6 जनसी है। और ये लोग नहीं वनस्पतियों कितनी से? 4 लाख। तो चाचा जैसे बता रहे हैं अपने यहाँ पर ये सिर्फ 6 एकड़ के अंदर 4 लाख से भी ज़्यादा अलग 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 वैरायटी ऑफ स्पीसीज है। और थोड़ी बहुत तो यहाँ पर आप देख रहे हो बैम्बू है, फिर जामुन वामुन सब ये लोगों ने लगा के रखा है। और इसका जो भी कटाई वटाई होती है, पानी वानी पिलाना होता है, वो सब काम अपने चाचा ही करते हैं। और चाचा जैसे और भी भाई है 6-7 जने जो इसका पूरा ध्यान वान रखते हैं ना चाचा। तो यही है महिसागर वन, और यहाँ पर आप लोग आ सकते हो, 2-3 घंटे अपने बिता सकते हो। यहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए भी एक बहुत अच्छा सा एक जगह है, फिर वॉच टावर है, और बहुत वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर करने के लिए, है ना दादा? हाँ। और इसके पीछे ही वैरा खाड़ी जिधर हम लोग अभी होकर आए उधर भी आप अपने 1-2 घंटे निकाल सकते हो। देखो ऐसे चाचा पूरा अपना ध्यान रखते हैं ना चाचा, किसी को ऐसे अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि फिर क्या सब लोग आते हैं जाते हैं फिर सब बिगाड़ते हैं। तो आप लोग भी अगर यहाँ पर आ रहे हो तो चाचा का काम मत बढ़ाइए, बार बार से घूमिए, फोटो वोटो लीजिए और एंजॉय कीजिए, है ना चाचा? हाँ। तो यही था आज का हमारा पूरा का पूरा व्लॉग, और अभी मैं निकल रहा हूँ आनंद जाने के लिए। तो ऐसे ही अपना व्लॉग देखते रहिए, लव व्हाट यू डू, डू व्हाट यू लव, एंड लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। ऐसे ही हमारे बहुत नए वीडियोस आते रहेंगे। हर थर्सडे को मैं कोई एक और जगह पर जाऊंगा, नई जगह पर, और आपके लिए कुछ ऐसी अनोखी जगहें लाता रहूंगा। बोलो। हाँ यार, महिसागर नु लग्न थेलू छे એટલે महिसागर नाम पड़ू छे महिसागर वन। अने अहीं इतिहास पण पूरो जेनो मुख्य छे महिना पिता नो महिं, पछी नहीं સાગરનો કેવી રીતે લગ્ન થયું છે તેવી રીતે આખો એનો ઇતિહાસ અમારા પોઠા ઉપર મૂક્યો જ છે।
મેન ગેટની બાજુમાં દિવાલ ઉપર એના બધા આખા ઇતિહાસની સ્ટોરી છે. કઈ તમે જોજો, બધો ઇતિહાસ આખો જ છે. चाचा ये बता रहे हैं कि ये पूरा महीसागर नाम कैसे पड़ा. यहाँ पर मही नदी और सागर का संगम होता है, इसलिए इसका नाम महीसागर रखा गया है. और इसका पूरा जो इतिहास है वो बाहर गेट के बाजू में एक बोर्ड है, वहाँ पर लगाया हुआ है ना चाचा. हाँ.